हेलो दोस्तों, स्वागत है BKBY के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं कमरान खान, आज हम लेके आए हैं HTML के अगले ट्यूटोरियल के बारे में। आज हम बताने वाले हैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है और फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के द्वारा HTML में हम लोग कैसे वर्क करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। तो आइए हम लोग एक HTML को करने के लिए सबसे पहले नोट पैड को खोलते हैं। देखिए यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस जो होता है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। गूगल में लिखिएगा नोट पैड प्लस प्लस, इसको डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम नोट पैड प्लस प्लस में आज बताने वाले हैं। इस पर क्लिक करेंगे, नोट पैड यहाँ पर खुल जाएगा। खुलने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉन्ट टैग के बारे में आप लोगों को बताना है हमको कि फॉन्ट टैग का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, फॉन्ट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं HTML, उसके बाद लिखते हैं हेड, टाइटल, टाइटल में कोई भी नाम डाल दीजिए, जैसे डाल देते हैं BKBY। टाइटल को बंद कर देते हैं। उसके बाद हम डालते हैं बॉडी, और इसमें हम लोग कोई भी नाम लिख देंगे, कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे, कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हम डाल देते हैं BKBY स्किल डेवलपमेंट अब इसको हम क्या करते हैं कि बंद करते हैं, पहले हम दिखाते हैं कि किस तरीके से दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं बॉडी को, उसके बाद बंद करते हैं हेड को, HTML को। अब इसको रन कराना है, तो इसको देखिए कि सेव कैसे करेंगे। अगले वीडियो में सेव करना भी बताए थे, लेकिन फिर से बताते हैं कि सेव कैसे किया जाएगा। यहाँ पे फाइल पे आ जाइएगा, सेव पे क्लिक कीजिएगा। सेव पे क्लिक करने के बाद जो नाम डालना है यहाँ पे नाम डाल देंगे, जैसे कि डाल देते हैं BKBY डॉट डालिएगा। ठीक, नाम कोई डालकर डॉट डालिएगा और लिखिएगा HTML। ठीक, और जहाँ पे सेव करना है वहाँ का लोकेशन चूज कर लीजिएगा और सेव पे क्लिक कर दीजिए। इसको मिनिमाइज करके हम रन करा के दिखाते हैं कि कैसे दिखाएगा। देखिए कि इस तरीके से दिखा रहा है BKBY स्किल डेवलपमेंट। तो इसको हम लोग, जैसे कि इसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बढ़ाएंगे फॉन्ट का साइज। तो हम लोग आइए कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, इसके सामने ऑन करेंगे फॉन्ट को, FONT फॉन्ट। ठीक, फॉन्ट, और इसके साथ एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है कि फॉन्ट के साथ बिहेवियर क्या करना चाहते हैं। तो हम लोग लगाते हैं जैसे साइज, SIZE साइज। ठीक, बराबर का चिन्ह दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कितना पिक्सल बढ़ाना है इसको डाल दीजिए। जैसे कि हमको 10 पिक्सल बढ़ाना है, तो PX डाल देते हैं, पिक्सल डालना है, PX डालना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जिसके बाद हम लोगों को जिसका फॉन्ट बढ़ाना है उसके पहले ऑन करेंगे, और ठीक उसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद आके हम लोग फॉन्ट को बंद कर देंगे, अब इसको कंट्रोल एस से हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग फिर इसको मिनिमाइज करके गूगल पे आ जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए कि जैसे कि इसका साइज बढ़ गया। ठीक, यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे बढ़ाना था BKBY स्किल क्या केवल डेवलपमेंट का नहीं बढ़ाना था, तो आप यहाँ पे आते, और आने के बाद इसको यहाँ पे नहीं बंद करते। ठीक, यहाँ पे नहीं बंद करते, बल्कि यहाँ पे इसको बंद करते, केवल इसी का बढ़ता है, इसका डेवलपमेंट का नहीं बढ़ेगा। जैसे कि आप एक बार रन करा के हम दिखा देते हैं, यहाँ पे
देख सकते हैं किसी का बढ़ा हुआ है या डेवलपमेंट का नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब आइए कि इसका अगला हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। जैसे कि इसको हम बाद में बंद करते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। अब इसके साथ हम लोगों को सपोज डेट की कलर चेंज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पे कलर जो है वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो हम लोग ब्लैक नहीं बल्कि हम लोग इसका कलर जो है अपने मन से रेड ग्रीन ब्लू जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जैसे कि किस तरीके से रखेंगे। तो इसके साथ देखिए कि फॉन्ट टैग है, ठीक, और इस ये एट्रीब्यूट है इसका साइज। अब हम लोगों को इसके बाद क्या करना है कि एट्रीब्यूट लगा देंगे एक और यहाँ पे, जैसे COLOR कलर बराबर दे देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी कलर का नाम लिख दीजिए, जैसे रेड डबल इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फॉन्ट जो मेन टैग है यहाँ पे ऑन हुआ है, इसके साथ एट्रीब्यूट लगा हुआ है साइज, फिर इसके साथ एट्रीब्यूट लगा है कलर। तो हम लोग केवल फॉन्ट को ही बंद करेंगे, ठीक, और कंट्रोल एस कर देंगे। यहाँ से आके आप देख लीजिए इसका कलर बदल गया, ठीक। अब हम बताने वाले हैं कि इसका फॉन्ट स्टाइल कैसे बदलेंगे, ठीक। अगला प्रॉपर्टीज फॉन्ट प्रॉपर्टीज का कि हम लोग इसका स्टाइल कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे फिर आ जाते हैं और इसके साथ एक और लगाएंगे एट्रीब्यूट फेस, ठीक, बराबर के चिन्ह देंगे डबल इन्वर्टेड को। अब किसी फॉन्ट का नाम देना है आपको, ठीक। तो फॉन्ट का नाम कैसे देंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जैसे NOTPAD नोट पैड को खोल लेते हैं और यहाँ से कोई लैंग्वेज स्टाइल आप चूज कर लीजिए जिस फॉन्ट का नाम याद हो। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग जो भी चुनना चाहते हैं, जैसे कि आप इस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, जैसे इस स्टाइल में, तो इसके नाम को कॉपी कर लीजिए, ठीक, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दबा देते हैं, कंट्रोल एस दबा देते हैं। अब आके यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट का स्टाइल बदल गया, ठीक। इस तरीके से हम लोग फॉन्ट प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।